देश की बड़ी कैंटों में शुमार रानीखेत कैंट में चुनाव की तारीख निकलते ही सरगर्मियां तेज होने लगी है। रानीखेत कैंट में 7 वार्डों में सभासदों के 30 अप्रैल को चुनाव होने हैं, जिसके लिए कैंट प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। देश की कैंट में एक साथ 30 अप्रैल को चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि जो है 8 साल बाद चुनाव होने पर लोगों में खासा उत्साह है, तो वहीं रानीखेत कैंट के लोगों में चुनाव बहिष्कार को लेकर भी आवाजें उठा रहे हैं। कैंट सीईओ नागेश पांडे ने बताया कि चुनाव सकुशल संपन्न कराने को लेकर तैयारियां की जा रही है और जिला प्रशासन से भी सहयोग मांगा जा रहा है। रानीखेत से गोपाल सिंह की रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि चुनाव का एक जो घोषणा है वो हो चुका है और 30 अप्रैल को चुनाव की तिथि भी घोषित हो चुकी है, तो उसके लिए सारी तैयारी की जा चुकी है और जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया गया कि एक रिटर्निंग ऑफिसर, जैसा कि नियमता है हमारे कैंट इलेक्टोरल रूल्स के अंतर्गत कि रिटर्निंग ऑफिसर जिला प्रशासन द्वारा ही नियुक्त होते हैं, तो उसके लिए पत्र लिखा गया। बाकी जितनी भी नियमता कार्यवाही है जो हमारे CER 2007 के अंतर्गत होती है वो किया जा सके। एक पूरा डिटेल प्रोग्राम बनाया जा चुका है जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हो चुकी है।